हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सनराइज इंजीनियरिंग एकेडमी, वेयर वी मेक इंजीनियरिंग इजियर फॉर यू। इस वीडियो में हम वेंचुरी मीटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दिस वीडियो इज ओनली अबाउट वेंचुरी मीटर बिकॉज हियर एक तो डेरिवेशन पूछा जाएगा वेंचुरी मीटर का, या फिर उसके रिलेटेड थियरी डेरिवेशन, ओके, न्यूमेरिकल या फिर थियरी डेरिवेशन पूछा ही जाएगा। सो दिस वीडियो इज टोटली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन लर्निंग अबाउट वेंचुरी मीटर। अगले वीडियो में हम उसके न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व करेंगे, ओके। सो वी हैड स्टडीड बर्नौलीज इक्वेशन। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन? एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन है फर्स्ट वेंचुरी मीटर, सेकेंड ओरिफिस मीटर एंड थर्ड पिटॉट ट्यूब। नाउ ऑल दिस थ्री डिवाइसेस दैट इज बीन यूज, इट इज यूज टू फाइंड आउट डिस्चार्ज, इट इज यूज टू फाइंड आउट द एनर्जीज। सो डिस्चार्ज का मीनिंग क्या हो गया स्टूडेंट? डिस्चार्ज मीन्स क्यू। We are able to find out the discharge with the help of this devices, students. Okay, so Q means a discharge. So how we can find? Let us see. So now, as you can see here, students, ये pipe है. This is a one pipe, और ये pipe के बीच में मैंने venturi meter रखा है. So for example, ये हो गया आपका pipe. So इस pipe के अंदर ही मैंने venturi meter रखा है, students. Okay, this section will be inlet pipe, this will be inlet and this will be outlet section. दोनों का जो diameter है, that diameter is remaining constant, perfect. Now, what will happen here, students, is I will consider this section 1, 1. Perfect. ये हो गया section 1, 1. Now, the area reduces. So, ये जो reduction in area है, students, that will be called as which cone? Convergent cone. इसे हम कहते हैं कन्वर्जेंट कोन। आफ्टर कन्वर्जेंट कोन, ये जो सबसे छोटा डायमीटर है वेंचुरी मीटर का, दैट विल रिमेन कॉन्स्टेंट, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट गाइस? दैट विल बी कॉल्ड एज थ्रोट। एंड यहाँ से जो डायमीटर इंक्रीज हो रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज डाइवर्जेंट कोन। एंड हियर विल बी द आउटलेट। ये हो गया आपका आउटलेट स्टूडेंट्स। नाउ पे अटेंशन, फ्रॉम हियर द लिक्विड इज कमिंग। यहाँ से लिक्विड अंदर एंटर हो रहा है, करेक्ट, अंदर एंटर हो रहा है लिक्विड। सो मीन्स हियर विल बी सम प्रेशर एनर्जी। बट व्हाट हैपेंस व्हेन इट कम्स इनसाइड द कन्वर्जेंट कोन? उसका एरिया क्या हो गया स्टूडेंट? उसका एरिया रिड्यूस हो गया। सो व्हेन द एरिया रिड्यूसेस, ये जो प्रेशर एनर्जी है, प्रेशर एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हिच एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। सो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कन्वर्जेंट कोन? कन्वर्जेंट कोन का मेन फंक्शन है इज टू कन्वर्ट द प्रेशर एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, रिमेंबर दैट वेरी वेल। ओके, सो क्या होता है स्टूडेंट्स? दैट विल गो इनसाइड द थ्रोट। थ्रोट में जो काइनेटिक एनर्जी रहेगा, दैट विल बी द मैक्सिमम, बिकॉज जो डायमीटर है स्मॉलेस्ट। Okay, and then what will happen when this maximum kinetic energy goes into the divergent cone? जब ये divergent cone में जाएगा, slowly, steadily the area is going to increase. So whenever the area increases, students, again what is going to happen? Kinetic energy जो था वो convert फिर से किस में होगा? Pressure energy में। And here at outlet, the pressure energy will be equal to the inlet pressure energy. So inlet का pressure energy और outlet का pressure energy दोनों भी क्या रहेगा students? दोनों भी same ही रहेगा. So what is happening inside this? Inside this what is happening? There is conversion. मतलब potential energy convert हो रहा है kinetic में, फिर kinetic energy maximum रहेगा and then kinetic energy is getting converted into the potential energy. Now our main point is how do we find out? Okay? How do we find out here the discharge? Discharge हम कैसे find out करेंगे? So discharge हमें कैसे find out करना है? That what we will do is we will keep here students, यहाँ पर एक venturi meter. Okay, venturi meter तो है ही, piezometer एक connect करता हो. That is what student? That is you. Shape, okay? YouTube manometer इसको कहा जाता है। So now the pressure is very high. So what will happen? इधर तक तो fluid ही रहेगा और यहाँ पर सबको पता ही है that here in manometer, your shade in first unit, that it is having some heavier liquid. That heavier liquid is what guys? That heavier liquid is nothing but your mercury. Mercury या फिर दूसरा जो element है वो भी रह सकता है. So mercury भी है. So ये जो distance है students, this distance will be what? This distance will be x.
मर्क्यूरी डिफरेंशियल मैनोमीटर का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ मर्क्यूरी डिफरेंशियल मैनोमीटर, दिस वॉज द वैल्यू ऑफ एक्स. अभी होगा क्या, दैट बाय मेजरिंग दिस प्रेशर डिफरेंस, बाय मेजरिंग दिस हाइट, यू कैन मेजर द डिस्चार्ज. आप डिस्चार्ज क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो स्टूडेंट्स. ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस बेसिक मीनिंग ऑफ वेंचुरीमीटर? मतलब वेंचुरीमीटर में क्या होता है स्टूडेंट्स, वेंचुरीमीटर में एनर्जी का कन्वर्जन होता है, पोटेंशियल, पोटेंशियल टू काइनेटिक, काइनेटिक टू पोटेंशियल, एंड बाय मेजरिंग दिस डिफरेंस यू कैन मेजर द डिस्चार्ज एज वेल. परफेक्ट गाइस, परफेक्ट. नाउ व्हाट वी विल सी इज, वी विल अप्लाई हियर बर्नौलीज इक्वेशन. बट इफ यू विल सी कि अगर ये मैं डेटम कंसिडर करता हूँ, सो डेटम से ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस विल बी जेड वन एंड दिस डिस्टेंस विल बी व्हाट स्टूडेंट्स, दिस डिस्टेंस विल बी जेड टू. सो अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन, पी वन बाय गैमा प्लस वी वन स्क्वायर बाय टू जी प्लस जेड वन इक्वल्स टू पी टू बाय गैमा प्लस वी टू स्क्वायर बाय टू जी प्लस जेड टू. आइडियल फ्लूड है, सो लॉसेस नहीं कंसिडर करेंगे. जेड वन और जेड टू का वैल्यू सेम है, सो इट विल गेट व्हाट स्टूडेंट्स, इट विल गेट कैंसल्ड आउट, कैंसल्ड आउट हो जाएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग रे, वो क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा. नाउ ये जो पी टू बाय गैमा है यहाँ पर आके वो माइनस हो गया, सो पी वन बाय गैमा माइनस पी टू बाय गैमा इक्वल्स टू, यहाँ पर तो वी टू है, वी टू स्क्वायर बाय टू जी माइनस वी वन स्क्वायर बाय टू जी. सो आई कैन राइट हियर एज पी वन माइनस पी टू अपॉन गैमा इक्वल्स टू वी टू स्क्वायर माइनस वी वन का स्क्वायर होल अपॉन व्हाट स्टूडेंट्स, होल अपॉन जी. सो एज यू कैन सी पी वन बाय गैमा पी टू बाय गैमा ये प्रेशर हेड है, सो डायरेक्टली व्हाट कैन आई डू इज आई कैन राइट हियर एच इक्वल्स टू पी वन माइनस पी टू बाय गैमा. ठीक है, एच मतलब ये प्रेशर हेड से डिनोट करेंगे हम, सो एच विल बी इक्वल टू बोलो वी टू का स्क्वायर माइनस वी वन का स्क्वायर अपॉन टू जी. ठीक है, स्टॉप टिल हियर. Now what we are going to do is we are going to find out the value of V1. V1 हम find out कर सकते हैं students, okay? V1 हम कैसे find out करेंगे बताइए. A1 V1 equals to A2 V2. So V1 का meaning क्या हो गया, A2 upon A1 into V2. अरे are you understanding? Okay, A2 upon A1 ना, ये A1 यहाँ पर जाके divide हो गया. So A2 by A1 into what students, into V2. Now putting in the equation number 1, therefore equation 1 becomes, equation 1 क्या है students बताइए, H equals to V2 square as it is minus V1 का square, V1 square is what, A2 square upon A1 square into V1 का square, okay, whole upon what guys, whole upon 2G, 2G multiply हो गया. So we are left with V2 square minus, minus what guys बताइए, A2 square, okay, और V1 square, okay, V1 square है ये, क्या V2 है भाई साहब, V2 है. Now what can I do, I can take V2 square as common, V2 square में common ले सकता हूँ students, so it will become 1 minus A2 square upon A1 square. अरे are you understanding, V2 को मैंने common लिया, ओके वी टू को कॉमन लिया मैंने, वी टू स्क्वायर को, हियर विल बी वन, हियर विल बी ए टू स्क्वायर अपॉन ए वन स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट गाइस, दैट विल बी इक्वल्स टू टू जी एच. ओके परफेक्ट, सो वी टू स्क्वायर बताइए, वी टू स्क्वायर क्या हो गया, ए वन स्क्वायर मल्टीप्लाई ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर अपॉन ए वन स्क्वायर इक्वल्स टू टू जी एच. नाउ व्हाट विल हैपन गाइस, ये यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा, सो मीन्स वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वी टू स्क्वायर. वी टू स्क्वायर क्या रहेगा बताइए, ये इंपॉर्टेंट है, ए वन स्क्वायर, ओके ए टू स्क्वायर माइनस ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर होल अपॉन ए वन का स्क्वायर, ए वन स्क्वायर विल कम अपवर्ड्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस डेरिवेशन, बहुत ईजी डेरिवेशन है. सो वी टू स्क्वायर इक्वल्स टू, ओके इट विल बी ए वन स्क्वायर इंटू टू जी एच होल अपॉन व्हाट गाइज, होल अपॉन ए वन स्क्वायर माइनस ए टू का स्क्वायर, बट हमें वी टू चाहिए, वी टू का स्क्वायर नहीं, सो स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दिस साइड, वी टू विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर, हर एक को अंडर रूट कर दीजिए, अंडर रूट ऑफ टू जी एच,
अपॉन अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर, देयर फॉर वी टू क्या रहेगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, ए वन इंटू अंडर रूट ऑफ टू जी एच होल अपॉन ए वन स्क्वायर माइनस ए टू का स्क्वायर. परफेक्ट. इन दिस वे वी हैड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ व्हाट स्टूडेंट्स, वी टू. आपको तो डिस्चार्ज फाइंड करना है, तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला बताइए, ए टू इंटू वी टू. सो ए टू इंटू व्हाट इज वी टू, ए वन अंडर रूट ऑफ टू जी एच अपॉन ए वन स्क्वायर माइनस ए टू का स्क्वायर. सो डिस्चार्ज बताइए, डिस्चार्ज क्या हो गया, आई कैन राइट इट दिस वे, ए वन इंटू ए टू अंडर रूट ऑफ टू जी एच होल अपॉन, होल अपॉन व्हाट स्टूडेंट्स, ए वन माइनस ए टू का स्क्वायर. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट स्टूडेंट्स, डिस्चार्ज. ये है डिस्चार्ज का फॉर्मूला, ए वन ए टू अंडर रूट ऑफ टू जी एच, ए वन स्क्वायर माइनस ए टू का स्क्वायर. बट ये जो डिस्चार्ज है, ये डिस्चार्ज है आपका थियोरेटिकल. ओके, सो दिस इज नथिंग बट द थियोरेटिकल डिस्चार्ज. सो दैट्स व्हाई देयर इज देयर लाइज ऑलवेज अ कोएफिशिएंट फॉर वेंचुरीमीटर, ओरिफिस मीटर और पिटोट ट्यूब, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज. कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज मीन्स सी डी इक्वल्स टू क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू थियोरेटिकल. एक्चुअल अपॉन क्या करना है आपको, थियोरेटिकल करना है. अरे आर यू अंडरस्टैंडिंग, एक्चुअल अपॉन क्या करना है, थियोरेटिकल करना है. सो इफ आई वॉन्ट टू फाइंड आउट क्यू एक्चुअल आपको फाइंड करना है, सो इट विल बी सी डी इन टू क्यू थियोरेटिकल. सो देर फोर क्यू एक्चुअल विल बी सी डी इन टू वॉट इज क्यू थियोरेटिकल, ए वन ए टू अंडर रूट ऑफ टू जी एच होल अपॉन वॉट स्टूडेंट्स, ए वन स्क्वायर माइनस ए टू का स्क्वायर. सो दिस इज द एक्चुअल डिस्चार्ज. ये है स्टूडेंट्स एक्चुअल डिस्चार्ज. सो नाउ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, एक्सप्लेन वेंचुरीमीटर डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन. सबसे पहले आपको उसका प्रिंसिपल लिखना है. प्रिंसिपल क्या है, बाय रिड्यूसिंग द क्रॉस सेक्शन एरिया द प्रेशर डिफरेंस कैन गेट क्रिएटेड, एंड बाय मेजरिंग दिस प्रेशर डिफरेंस वी कैन मेजर व्हाट स्टूडेंट्स, वी कैन मेजर द डिस्चार्ज. यहाँ पर दो तरीके के डिस्चार्ज है, एक है थियोरेटिकल और एक है एक्चुअल. एक्चुअल के लिए आपने सी डी को मल्टीप्लाई किया है. CD is nothing but what students, it is coefficient of discharge. Okay students, I hope that you have understood this venturimeter very well guys. Okay, इसका theory, इसका derivation सभी हमने किए हैं. So next video में हम क्या किसके बारे में discuss करेंगे, numerical related to venturimeter, that is very important. एक तो venturimeter का theory derivation या फिर venturimeter का numerical, ये पूछा ही जाएगा students. Okay, so मिलते हैं next video में. As always, it was nice teaching you guys. Thank you so much.